इंटरलॉकिंग रोड निर्माण चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, मात्र 3 महीनों में जर्जर हुआ रोड। घटिया सामग्री के इस्तेमाल से ग्रामीणों में रोष। देश के प्रधानमंत्री भले ही ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देती हूं, लेकिन जमीनी हकीकत इन सब से परे। इंटरलॉकिंग रोड निर्माण में प्रयोग की जा रही घटिया सामग्री को देख लोग आग बबूला हो गए, और इंटरलॉकिंग रोड के निर्माण में लगाई गई खस्ता सामग्री को देख ग्रामीणों ने ठेकेदार और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। विधायक निधि से कराए जा रहे कार्य में बरती जा रही लापरवाही। विकास खंड गजरौला के कूदेनाचक गांव में हुआ था इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य। गांव वालों का आरोप है कि घटिया सामग्री के इस्तेमाल से कराया गया है रोड का निर्माण कार्य। मात्र 3 महीनों में ही रोड की साइडों की दीवारें व ईंटें टूटकर बराबर हो गई हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि रोड के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारियों पर नकेल लगाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा अपने मनचाहे ठेकेदारों को सड़क और नाली निर्माण का टेंडर देते हैं, और यह ठेकेदार सड़क और नाली निर्माण में भ्रष्टाचार की ईंट लगाने से बाज नहीं आते। विकास खंड गजरौला क्षेत्र के गांव कूदेनाचक में विधायक निधि से इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य कराया गया था। इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य में न तो रोड का लेवल बनाया गया, न ही रोड में पानी की निकासी का कोई रास्ता। रोड बनने के 3 माह बाद रोड की साइडों की दीवारें गिर गईं तथा रोड में बीच में बहुत बड़ी दरार आ गई, जिसमें लगी हुई ईंट भी टूटकर धराशायी हो गई। आप खबर में देख सकते हैं कि नई नई ईंट के बीच में टूटी हुई दिखाई दे रही हैं तथा साइडों की दीवार भी पूरी तरह से गिरी हुई दिखाई जा रही है। ग्रामीण लोग यह बोलने में बिल्कुल भी गुरेश नहीं कर रहे हैं कि यह निर्माण कार्य पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। रोड निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्र के विधायक महेंद्र खड़गवंशी और आला अधिकारियों को भी अवगत कराया था, लेकिन 3 माह बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों को डर है कि बरसात में कहीं पूरा रास्ता ही न बह जाए, जिससे और दुर्दशा हो सकती है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अमरोहा उत्तर प्रदेश। तो सही है लगना चाहिए इसके अंदर, तो इसमें पिल्ले जैसे बनेंगे और दिखाएं यही ना कहीं और। आज देखो आप 2 महीनों की दीवार चटकती देखी 3 महीने में, ये देखो देखो बीच में से रास्ता फट गया, ये बीच में से ईंट प्लान लगी हुई है, नई ईंट भी ना लगाई। ईंट भी इन्होंने जैसे जैसे ईंट आई है ना, वैसे जैसे खरंजे की ईंटें भी उखाड़ उखाड़ के इसी में लगी हुई है। ईंटों की पूर्ति करके दी है, बस जो खरंजे की ईंटें थी वो भी उखाड़ उखाड़ के इसी में लगा दें, और उसमें नई नई ईंटों का पैसे ले होंगे उन लोगों ने, जो पुरानी पुरानी ईंटें भी इन्होंने लगी हुई है। दीवार एक भी दीवार भी बिल्कुल ऊपर जमीन के लिए भी नहीं, खेत के लिए भी नहीं रखे हुए, एक रद्दा नीचे है खाली, एक रद्दे पे ये दीवार रुक जाएंगे क्या सर, बताइए आप लोग। उसमें कम्प्लीट यह हुई इलेक्शन से बाद में, इसमें काम तो इलेक्शन से पहले चालू हो गया। किसके द्वारा बनवाई गई थी ये? महेंद्र विधायक जी के द्वारा बनाई गई है, 2 महीने हो गए चालू हुए। किस तो इधर का इस गांव वाले तो परेशान ही रहेंगे, ना उधर को रास्ता ना इधर को रास्ता। कौशल लिया कौन चक्को देना, जब भी टूट गया जब जद बनाओ ना इसको हो गए 3 महीने ना किसी ने नहीं देखा, पूरा रास्ता खत्म है ये, तब जिगर बना बढ़िया हो इससे तो। अच्छा तो बात भी करी उनसे प्रधान साहब भी, और महेंद्र का नाम उनका विधायक महेंद्र खड़गवंशी, हाँ उनसे भी, पर किसी ने कार्रवाई नहीं करी। ये तो यहाँ से बना वहाँ से बना और यहीं तक टूटा हुआ है, यहाँ से बना वहीं से टूटा हुआ सारा ही सारा टूटा हुआ है। ये तो परेशानी पूरी है, खर्चा ना तो कोई बात ना हो खराब, और जिस दिन बारिश पड़ गई उसी दिन खराब है। ये तो अभी बारिश भी ना पड़ी, बारिश में गिर गया, ये तो बुग्गी उग्गी भी पलटेंगी इस पे, पैदल बारे भी रपटेंगे इस पे, किसी को भान है ट्रैक्टर पैक्टर है वो भी गिरेगा। कम से कम है 300 आदमी का परिवार है यहाँ, 300 आदमी का वोटरों का परिवार है यहाँ पर।